अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में जैसे ही ये बयान सामने आया सदन में हंगामा मच गया। हंगामा भी ऐसा कि गुस्से में लोगों ने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। किसी ने इसे संविधान की हत्या करार दिया तो कोई इसके खिलाफ अपनी भड़ास निकालता नजर आया। सरकार के इस बड़े और ऐतिहासिक फैसले से जहां जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, वहीं इस फैसले से विपक्ष भी दो भागों में नजर आया। ये फैसला जितना बड़ा है उतना ही बड़ा विपक्ष के लिए अस्तित्व खोने का डर। पहले आपको बताते हैं सरकार के जम्मू कश्मीर पर बड़े फैसले की बात। पहला फैसला, अनुच्छेद 370 हटा। दूसरा फैसला, जम्मू कश्मीर बनेगा केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा बड़ा फैसला, लद्दाख बनेगा केंद्र शासित प्रदेश। सरकार के इस फैसले पर बसपा और आप ने समर्थन तो दिया, लेकिन पीडीपी और कांग्रेस के तेवर तल्ख हो गए। इस फैसले के बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए सरकार को खरी खोटी सुनाई। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए इस फैसले को लोकतंत्र के लिए काला दिन कहा, तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे दिया। हम उसको उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं, या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं, लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया। ऐसा नहीं है कि सरकार के इस फैसले का समर्थन बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू भी कर रही है। दरअसल जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी आज राज्यसभा में लाए गए विधेयक का समर्थन नहीं कर रही है। हमारी सोच अलग है, हम चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाया न जाए। इधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस कदम की निंदा की है। अब्दुल्ला ने क्षेत्र में अधिक सैनिकों की तैनाती का विरोध किया है और कहा है कि ये फैसला अवैध, असंवैधानिक और एक तरफा है। इस फैसले के बाद एमडीएमके के नेता वाइको ने कहा है, कश्मीर, कोसोवो, पूर्वी तिमोर और दक्षिण सूडान नहीं बनना चाहिए। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। ये शर्म 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 का दिन है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हालांकि एनसीपी नेता शरद पवार ने थोड़ा घुमावदार रिएक्शन दिया। उन्होंने साफ तो नहीं लेकिन बड़े ही अलग लहजे में कुछ ऐसा कहा, मुझे लगता है कि सरकार को उन्हें विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया और तब उन्हें फैसला लेना चाहिए था। इस फैसले के बाद जहां विपक्ष में नाराजगी है, वहीं कई जगहों पर जश्न मनाया जा रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।